नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, हालांकि हमने रात को कुछ लाइव ट्यूशन किए थे कुछ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। तो चलिए, आज अपन जो है GFNR तो अपने वैसे कंप्लीट हो गए हैं, बस थोड़ा सा उसमें अपडेट जो हुआ वो आपको एक साथ करवा दूंगा मैं। अब RSR को भी जल्दी से शुरुआत अंत करते हैं इनका, और आगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी RSR के कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, बुक कीपिंग तो अपन ने अन अकेडमी में शुरू कर दिया है, तो अभी बस कल अपना प्रोजेक्टर आ जाएगा, उसके बाद जो है मान के चलो कि बस 2 या 3 वीडियो के अंदर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, यानी नियमों का अगर नियमों से संबंधित जितने भी चैप्टर है वो तो अपने कंप्लीट हो गए। जैसे अभी अध्याय अपना 16 शुरू होगा, तो इसके अंदर शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी शक्तियाँ जो दी जाती है वित्त विभाग अपने अधिकारियों को जो शक्तियाँ देता है वो किस प्रकार जो है वो उसे शक्तियों का जो है वो डेलीगेशन करता है, डेलीगेशन ऑफ पावर किस प्रकार किया जाता है ये इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपना एक अध्याय और रहेगा जिसके अंदर अपन ये अध्ययन करेंगे कि जो है वो ज्वाइनिंग क्या होती है। ठीक है, पद ग्रहण के टाइम क्या क्या जो है वो कार्य किए जाते हैं, क्या क्या नियम है उसके, उससे संबंधित करने वाला है। तो ये बस ये लास्ट है, इसके बाद अपना एक चैप्टर हो रहा है, तो बस 2 या 3 वीडियो के अंदर जो है वो अपनी RSR की पूरी जो है वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स और बुक कीपिंग जैसे समाप्त हो जाती है। अभी अपने BO भी पढ़ा है मेरे अच्छी तरह से याद है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे और फिर अपन जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है घुसेंगे। और जब फर्स्ट पार्ट के डेली अपने वीडियो रहेंगे और बाकी अपना सेकेंड पार्ट का डेली का क्वेश्चन आंसर का चलता रहेगा। अभी आपने जो है 2 लाइव क्लास अनअकैडमी पर ले ली है, तो वो भी आप बताना वो आपको कैसी लग रही है। और जो आज रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक गए हैं वो कल जो है वो कल 12 बजे से लेकर और 1:30 तक फिर से रजिस्ट्रेशन जो है ओपन होंगे, तो आप जो है कल दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 1 रुपये दे के। और कल की लाइव क्लास के अंदर 9 से 10 बजे तक अपन जो है अध्ययन करेंगे, RSR का क्विक रिव्यू करने वाले हैं। जिस प्रकार GFNR का क्विक रिव्यू किया था उसी प्रकार RSR के जितने नियम 1 घंटे के टाइम में अपने हो पाते हैं उतने नियमों का अपन क्विक रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक साथ सारे नियमों का अध्ययन करेंगे। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज का जो अपना अध्याय है वो है शक्तियों का प्रत्यायोजन, अध्याय 16 है आपके RSR के अंदर, और शक्तियों का प्रत्यायोजन है, डेलीगेशन ऑफ पावर है। तो शक्तियों का जो प्रत्यायोजन है वो किस प्रकार किया जाएगा, देखिए वित्त विभाग, अगर ये शक्तियां जो सर्वप्रथम जो है संविधान ने किसे दी है, वित्त विभाग को दी है, यानी वित्त विभाग के पास ये शक्तियां होती है। लेकिन वित्त विभाग जो है वो अपने अधिकारियों को जो है वो इन शक्तियों का क्या कर देता है, अधिकार दे देता है कि आप जो है शक्तियों का उपयोग कर सकते हो। जैसे मान लो अगर वित्त विभाग जो है वो इन अधिकारों का अपने अधिकारियों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता, तो मान लीजिए एक जूनियर अकाउंटेंट लगा हुआ बंदा है, उसे जो है वो लीव चाहिए, मान लीजिए उसे छुट्टी चाहिए, तो वो क्या लेटर भेज के वहाँ वित्त विभाग के पास भेजना पड़ता उसे, और वित्त विभाग से जब अनुमति आती तब वो जो है छुट्टी पैसा जा सकता था। ऐसा करना बहुत कठिन हो जाता और जो है कर्मचारी वर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन ये परिस्थितियाँ हो जाती। आप दिमाग में एक बार सोच के देखो कि आपको जो है 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप 1-2 दिन पहले आपको जो है वो वित्त विभाग को एक लेटर लिखना पड़ता, फिर वित्त विभाग उसके ऊपर रेस्पॉन्स देता, वो लेटर आपके पास आपके विभाग में आता, फिर आपको जो है छुट्टी मिलती नहीं मिलती। अभी आपके अधिकार वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। अब क्या कर सकते हो, आप अपने ऑफिस के अंदर जो भी आपका सक्षम अधिकारी है उससे जो है वो अवकाश ले सकते हो। तो इसलिए जो है वो शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्तियों का पावर का डेलीगेशन जो है वो बहुत जरूरी है। शक्तियाँ बंटी हुई होनी चाहिए, अगर एक व्यक्ति के पास ये शक्तियाँ होंगी तो वो भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं इस अध्याय के अंदर, केवल थोड़ा सा ही देख रहे हैं अध्याय के अंदर, वैसे कोई पूछने वाली बात क्वेश्चन जो बहुत कम आते हैं इस अध्याय से, लेकिन फिर भी हम जो कुछ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे लिए जो 12 सब्जेक्ट है उसकी एक एक लाइन मोस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें मोस्ट है और इसमें मोस्ट नहीं है, तो अपने लिए एक एक लाइन मोस्ट है, लेकिन सबसे पहले अपन एक एक लाइन का अध्ययन करने वाले हैं, तो इसी अध्याय में भी वैसे ही करेंगे। नियम जो शक्तियों का प्रत्यायोजन है, नियम 5 में जो है वो ये बताया गया है, नियम 5 के अनुसार वित्त विभाग ही इन शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है। आपने नियम 5 पढ़ा था RSR का, जिसमें दे रखा था वित्त विभाग द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी वित्त विभाग ही जो है वो अपने अधिकारियों को ये सारी शक्तियां जो है वो देता है। डेलीगेशन जो है वो वित्त विभाग के द्वारा ही होता है पावर का, बाकी अन्य कोई जो है वो किसी अधिकारी को पावर नहीं दे सकता। ठीक है, इसके बाद है इस
उल्लेख को आरएसआर के भाग दो के परिशिष्ट नंबर 9 के अंदर किया गया है। यानी इन शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए क्या शर्तें हैं, किस अधिकारी को क्या शक्तियां दी जाएगी, कौन कौन सी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, कौन कौन सी शक्तियां जो वित्त विभाग ने अपने पास रखी है, तो ये सारी चीजें जो है वो किस में दी गई है, परिशिष्ट 9 के अंदर दी गई। और परिशिष्ट ये पाठ पूरा परिशिष्ट 9 ही है, आप ये मान लीजिए परिशिष्ट 9 के अंदर किन अधिकारियों को क्या शक्ति दी गई है, बस यही ये पाठ है, इस लेसन में केवल यही बात है, ठीक है। इसके अंदर दो तीन नियम है, नियम नंबर जो आपका पहला आता है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली मोस्ट बात आती है जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है वो तो ये हो गई आपकी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन आरएसआर के किस भाग में है, सबसे पहली बात तो ये है। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो आरएसआर के भाग नंबर 1 का हमने अध्ययन किया, ये भाग नंबर 2 है और इसके बाद भाग नंबर 3 और आएगा, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर होगा वो भाग नंबर 3 का होगा। तो ये बात मोस्ट है, ये बात जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि इस बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमने केवल ये रट रखा है कि आरएसआर का नियम इसमें ये है, आरएसआर के नियम इसमें ये है, आरएसआर के नियम इसमें ये है, लेकिन ये यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात बनती है कि आरएसआर के किस भाग में परिशिष्ट 9 को जो है परिशिष्ट 9 का वर्णन है, तो आरएसआर के राजस्थान सेवा नियम के भाग 2 में, अब तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो भाग 1 था, ठीक है, तो भाग 2 में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आरएसआर के भाग 2 में परिशिष्ट 9 के अंदर जो है वो क्या है, शक्तियों का प्रत्यायोजन है, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 165 जो आता है, इसका पहला नियम है आज का, अधीनस्थ प्राधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे कौन से अधीनस्थ अधिकारी हैं जो सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए है कि अधीनस्थ अधिकारी जिनको परिशिष्ट 9 के अंदर जो है वो ऐसी पावर दी गई है अपने सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, यानी पूरा पाठ जो है परिशिष्ट 9 के ऊपर ही डिपेंड है। इसके बाद नियम नंबर 166 आता है आपका, नियम नंबर 166 कहता है कि आरएसआर के नियम भाग 3 आरएसआर के नियम 3 के तहत घोषित जिन अधिकारियों को परिशिष्ट 9 में शक्तियां दी गई है उनका प्रयोग करने में वित्त विभाग की सहमति मानी जाएगी, ठीक है, वित्त विभाग ने एक आपके विभाग का अध्यक्ष को अनुमति दे दी उन्हें शक्ति दे दी कि आप जो हो अपने कर्मचारी को जो हो लीव दे सकते हो, छुट्टी दे सकते हो, तो अगर वो आपका जो आपके ऑफिस का जो सक्षम अधिकारी है आपके ऊपर अगर वो आपको छुट्टी दे रहा है, मान लो 5 दिन के आपको अवकाश दे रहा है, तो वो अवकाश जो किसके द्वारा दे माने जाएंगे, इसमें वित्त विभाग की भी सहमति है ये माना जाएगा, ठीक है। यही कहता है नियम नंबर 166 कि आरएसआर के नियम 3 के अंदर जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है किसी भी अधिकारी को, उस शक्तियों का प्रयोग करने में जो वित्त विभाग की सहमति मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है वो है आपका नियम नंबर 167 परिशिष्ट 9 की शक्तियों की शर्तें, की परिशिष्ट 9 के अंदर जो शक्तियां दी जाती है उनमें के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो सबसे पहली शर्त आती है आपकी कै नंबर, प्राधिकारी केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में करेगा जो प्रशासनिक नियंत्रण में है, यानी कोई भी सक्षम अधिकारी है उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो केवल उन्हीं अधिकारियों के ऊपर कर सकता है जो प्रशासनिक नियंत्रण में है। पहली शर्त तो यह है, प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर है उन पर शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 2 नंबर आती है आपकी, इसकी शर्त है कि शक्तियों का प्रयोग परिशिष्ट 9 के कॉलम 3 तक ही सीमित होगा, परिशिष्ट 9 के कॉलम 3 तक ही सीमित होगा, कॉलम 2 में वर्णित नियम का विस्तार प्रत्येक अधिकारी के लिए नहीं है, यानी जिनको भी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है वो परिशिष्ट 9 के कॉलम नंबर 3 तक ही उनकी शक्तियां सीमित है, और कॉलम 2 के अंदर जो कुछ विशेष शक्तियां दी गई है उन पे प्रत्येक अधिकारी का जो है वो अधिकार नहीं है, वो केवल चुनिंदा अधिकारियों को ही वो शक्तियां जो है वो दी गई है। इसके बाद गए नंबर कंडीशन ये है कि यदि कोई अधिकार परिशिष्ट 9 में नहीं हो तो वह प्रत्यायोजित नहीं है, यानी मान लो कोई शक्ति जो है वो इन परिशिष्ट 9 के अंदर, क्योंकि पूरी शक्तियां जो इस परिशिष्ट 9 के अंदर, ये इतना ही नहीं है, ये केवल अभी 1 ही है, 7, 8, 6 का ही बात किए, इसके बाद ये 2-3 पेचों का है, अपन अब जो कल अपना प्रोजेक्टर आ जाएगा तो उसकी पूरी स्लाइड जो है वो यहाँ पे चला के आपको एक साथ ही सारे करवा दूंगा, 1 घंटे का लगभग वीडियो बन जाएगा या आधे घंटे 45 मिनट जितना भी बनेगा, कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो परिशिष्ट 9 के अंदर अपन ने केवल इतना ही देखा है अभी,
तो गैन अमर कंडीशन यह कहती है कि यदि कोई अधिकारी परिशिष्ट नौ में नहीं हो तो, यदि कोई अधिकारी सॉरी अधिकारी क्या, यदि कोई अधिकार, कोई अधिकार परिशिष्ट नौ में नहीं है, परिशिष्ट नौ में नहीं है तो यह माना जाएगा कि वो शक्ति जो है, वो अधिकार जो है, वो किसी को भी प्रत्यायोजित नहीं किया गया, और वो अधिकार किसके पास है, वो अधिकार है वित्त विभाग के पास। ठीक है, तो ये कंडीशन है शक्तियों के प्रत्यायोजन के। अब है अपन परिशिष्ट नौ देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ कॉलमों में इसको बांटा गया है। पहले है नियम, नियम है आपका एक सात आठ खे, सात आठ खे के अंदर ड्यूटी है। नियम सात आठ के अंदर क्या है, ड्यूटी है। हमने कल रात को भी इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर क्या शक्ति का क्या, शक्ति की प्रकृति कैसी है, देखे कि राज्य कर्मचारी को भारत में ही अगर प्रशिक्षण में भेजने पर उसकी अवधि को ड्यूटी पर मानने एवं आरएसआर के नियम 25 के अनुसार वेतन भत्ते आदि निर्धारित करना। ठीक है, यानी शक्ति यह है कि कोई राज्य कर्मचारी है वो भारत के अंदर ही देश में ही किसी प्रशिक्षण पर जाता है, तो उस प्रशिक्षण अवधि को एक तो ड्यूटी पर मानना, और उस टाइम का जो भी भत्ता, जो भी पेंशन बनती है, जो भी वेतन बनता है, उसका निर्धारण करने की शक्ति। ठीक है, ये पहली शक्ति है। तो ये किसके पास है, प्रशासनिक विभाग को है एक तो, और दूसरी है विभागाध्यक्ष को। इन दो अधिकारियों को ये शक्तियां दी गई है। विभागाध्यक्ष के अंदर देखो कि अगर शिक्षा विभाग से जुड़ी है तो शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष हो गया, पुलिस विभाग से जुड़ी है तो पुलिस विभाग का विभागाध्यक्ष हो गया। जिस विभाग से जुड़ी हुई है, जिस विभाग के कर्मचारी पर यह नियम लागू होंगे, उस विभाग का विभागाध्यक्ष हो जाएगा। और ये पूर्ण शक्तियां दी गई है, ये जो अधिकारी हैं ये इन पूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को अवकाश दे सकते हैं, अवकाश के लिए मना कर सकते हैं, और कोई बंदा गया है अगर प्रशिक्षण पर तो उनकी जो ड्यूटी को कर्तव्य पर मान सकते हैं, और उनके कर्तव्य पर मानते हैं उनकी जो वेतन बिल आदि है उनका भी वो निर्धारण कर सकते हैं, वेतन भत्ते आदि का भी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि वो कर्मचारी जो है वो किस पे होना चाहिए, भारत में ही प्रशिक्षण पे होना चाहिए। दो नंबर शर्तें हैं कि एक वर्ष से अधिक का प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। तीन नंबर शर्त ये है कि कर्मचारी के पद से संबंधित प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कर्मचारी तो है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं कर्मचारी, और वो प्रशिक्षण लेने जा रहा है अध्यापक बनने का, बीएड करने जा रहा है, तो वो काम नहीं चलेगा। फिर आपको काम अकाउंट का करना, आप बीएड करने का कोई मतलब नहीं है, तो कर्मचारी के पद से संबंधित होना चाहिए वो। ठीक है, तीसरी बात है कि एक वर्ष से अधिक का जो है वो पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, केवल स्थायी कर्मचारी है उन्हीं को जो है ये सुविधा दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो कंडीशन और शर्तें जो प्रशिष्ट नौ, तो इस प्रकार की सारी शर्तें जो है इस अध्याय के अंदर दी गई है। प्रशिष्ट नौ पे बेस ये पूरा का पूरा अध्याय है, और अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रोजेक्ट आने के बाद इस पूरे अध्याय को जो है अपन जो एक साथ संपन्न कर लेंगे कल। और थोड़ा सा जो है वर्क लोड ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो ये था कि केवल पढ़ना था और बोर्ड पे लिखना था और वीडियो बना देना था, लेकिन अब जब से प्रोजेक्टर का कंसेप्ट आया है तो नोट्स जो है पहले हम हाथ से तैयार कर लेते थे, ऐसे आपने देखे होंगे मेरे हैंड राइटिंग नोट्स, लेकिन अब क्या प्रोजेक्टर पे वो हाथ से लिखे हुए पता नहीं सही दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इसलिए प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा कंटेंट आए और सारा जो हो टाइप करें। ठीक है, तो टाइप करने में देखिए मेरी इतनी जल्दी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड है नहीं, स्पेशली हिंदी के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एक दो दिन में जैसे ही मेरे थोड़े हाथ चलने लगेंगे टाइपिंग पे, तो काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वीडियो जो आज आपको छोटा लगा है उसको भी अपन बड़ा करने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपन इस पूरे चैप्टर को एक साथ खत्म करेंगे। और दोस्तों अनअकैडमी में भी जो काम जो है बढ़ गया है और इधर भी बढ़ गया है, तो मेहनत बढ़ानी पड़ रही है, ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि सारा जो काम होता है ये सारा का सारा जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी बनाना, उसको चाहे वो राम सर बनाए या मैं बनाऊँ, काम सारा मेरा ही होता है, उसको बनाना, फिर उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, नोट्स तैयार करना, सारे नोट्स को टाइप करना, और ये जितना भी काम होता है सारा मेरा ही होता है। तो इसी सारे काम के बीच में से मेरे को खुद भी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। पर मजे की बात इसमें यही है, अच्छी बात यही है कि इसमें रुचि बढ़ी हुई है। रुचि बढ़ने का कारण क्या है कि मैं खुद जूनियर कमरेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सारा काम जो है मेरे को बोझ न लगते हुए एक आनंद का कारण बन गया है, क्योंकि इसमें मेरे साथ साथ स्टडी भी हो रही है, और साथ साथ मैं जो मेरा टारगेट था आपके जैसे जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे उनका सहयोग करने का, तो वो मेरा टारगेट भी पूरा हो रहा है, मजा आ रहा है काम करने में। हाँ, काम बढ़ गया लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। तो
ऐसा ही अपन प्रयास आगे रखेंगे और इस प्रयास को और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा अच्छा किस प्रकार किया जाए इसकी हम रात दिन चेष्टा कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टर जैसे ही कल आ जाता है तो देखते हैं क्या नया एक्सपीरियंस होता है। हालांकि कार्य चल रहा है, अनअकैडमी में भी क्लासे चल रही है और ये क्लासे ऐसे ही चलती रहेगी और पूरा जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस डिटो लाइन टू लाइन आपको पूरा करवाएंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि पूरा काम होगा कि नहीं होगा, कि दो चैप्टर या दो बुक या चार बुक या छह बुक करा के छोड़ देंगे, बीच में तो नहीं छोड़ देंगे, लटका तो भी नहीं देंगे। तो जो आरएस एएसओ की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनको मैंने पहले दिन कहा था कि एएसओ का आपका स्टेटस का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, तो स्टेटस का पूरा सिलेबस आपका होगा। स्टेटस अपना जैसे कल प्रोजेक्टर आता है सर फटाफट करवा देंगे, उनके पास सारे नोट्स तैयार है और वो नोट्स आपको मिलेंगे। मैंने सब बच्चों को कह रखा है कि मिलेंगे तो मिलेंगे। उनकी क्या पीडीएफ, आप देखो कि मेरे पास स्कैनर नहीं है एक्चुअली, तो पीडीएफ सारी जो कैम स्कैनर से स्कैन करनी पड़ती है, तो पांच सात पेज हो तो फट से स्कैन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा पेज हो जाते हैं तो वो हो नहीं पाते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही आपके नोट्स जो है वो आ जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम डेट आने तक या एग्जाम डेट आने के एक दो दिन तक आपको जो है सारे स्टेटिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कंप्यूटर जो आपके एएसओ के अंदर उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे और राजस्थान जेके के भी बहुत क्वेश्चन देंगे। इसी के साथ अपने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी भी कंटिन्यू चलती रहेगी, ऐसा मेरा पूरा वादा है। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस में कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये नहीं कि आपने हम पे विश्वास किया है तो हम विश्वास गाते रहेंगे, सब आपके सहयोग से ही हो रहा है। बस थोड़ा सा आप हमें और जो है वो विश्वास बनाए रखिए। आपका पूरा जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस और स्टैटिक्स का पूरा डिटेल से, स्टेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का आपका एएसओ का सिलेबस, राजस्थान जी के क्वेश्चन करवाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और गणित के भी आपको क्वेश्चन ही करवाएंगे। इन तीन सब्जेक्ट के केवल क्वेश्चन करवाएंगे, डिटेल स्टडी आपको जो है एएसओ की बात कर रहा हूँ, स्टेटिक्स और इकोनॉमिक्स की करवाएंगे। और जूनियर कॉन्टेंट में आपको पूरे का पूरा सिलेबस जो है स्टडी, पूरे के पूरे सिलेबस की डिटेल स्टडी प्लस उसके एमसीक्यू सब करवाएंगे और सारा का सारा अपना फ्री रहेगा, ठीक है, कोई भी पेड क्लास नहीं रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।